Hello students, good morning. Yesterday we had discussed about rectifier. What is rectifier? Rectifier is a device which is used to convert alternating current into direct current. Okay, जो alternating current को direct current में convert कर सके उस device को हम rectifier कह रहे हैं. There were two types of rectifier. First one was half-wave rectifier, and half-wave rectifier is the rectifier which can convert half portion of the wave in pulsating DC current. Okay, but that half-wave rectifier we had discussed yesterday already. We had discussed, and now today we will discuss about full-wave rectifier. Okay, today we will discuss about full-wave rectifier. ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. ये इसका सेकंड पार्ट है. देन फुल वेव रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट कंप्लीट वेव, कंप्लीट एसी फॉर्म, एसी पल्स इनटू द फॉर्म ऑफ डीसी पल्सेटिंग. ओके, या पल्सेटिंग डीसी, और यू कैन से डीसी. ओके, एंड इन दिस फुल वेव रेक्टिफायर वी हैव अगेन टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर. फर्स्ट वन इज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, एंड द सेकेंड वन इज ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर. ब्रिज रेक्टिफायर वी डोंट हैव इन आवर सिलेबस, वी हैव ओनली सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, तो हाउ वी कैन डिजाइन सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, जस्ट लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इनपुट वोल्टेज वी हैव दिस कंप्लीट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. दिस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वी आई इन इनपुट वोल्टेज. ओके, वी इन दिस इज सेंटर टैप. फॉर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर वी दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग. देन वी हैव फ्लक्स लिंकेज. दिस इज द सिंबल फॉर लिंकेज ऑफ फ्लक्स. ओके, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल. ओके, एन एस इज लेस देन एन पी. ये एन पी है यहाँ पे, और ये क्या है, एन एस है. याद रखना है इस चीज को. देन वी हैव सेंटर टिप. तो दिस इज द पॉइंट वी हैव एन कनेक्शन. मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर इज शॉर्टेड विद आउटपुट. ये आउटपुट के साथ शॉर्ट किया हुआ रहेगा. ठीक है, तो ये चीजें यहां पे. देन वी हैव दिस इज अ डायोड, एंड दिस इज ऑल्सो ए डायोड. ओके, दिस इज डायोड डी वन एंड दिस इज डायोड डी टू. इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी हैज ओनली वन डायोड. वी हैव ओनली वन डायोड वी हैव इन हाफ वेव रेक्टिफायर, ओनली डी वन. बट इन दिस सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर वी हैव टू डायोड्स, डी वन इन दिस वायर एंड डी टू इन दिस वायर. ओके, एंड देन वी हैव कॉमन कनेक्शन बिटवीन देम, एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम the n side of this diode and this center tap. This is RL. This one is RL, and you can take output voltage from these points. This is Vout. Okay, in your NCRT book the diagram is a bit different, but the actual connection is exactly same as this diagram. Okay, इसको आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये वाला जो मैंने अंदर ड्रॉ किया है इसको आप बाहर ड्रॉ कर दो, और जो यहाँ पे लेकर आए हैं इसको नीचे लेके यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो. तो ये भी इसका एक पॉसिबिलिटी है जो कि आप एनसीईआरटी के अंदर आप देख सकते हो, और ये भी इसकी पॉसिबिलिटी. कनेक्शन दोनों ही सेम है, बोथ आर एकदम एग्जैक्टली सिमिलर कनेक्शन, बट अरेंजमेंट इज लिटिल बिट डिफरेंट. ओके, in this we have arrangement it is in mid of this circuit, and in that condition we have this RL at this side. Okay, so this is our full wave rectifier. ये full wave rectifier है. Okay, full wave rectifier में आपको ये देखना है, this is step down transformer and this is step center tap transformer. Okay, center tap transformer में क्या होता है कि जो वाइंडिंग्स के दोनों एंड्स है इसके सेंटर में एक और बीच में कनेक्शन होगा जिसको सेंटर टैप बोलते हैं. ठीक है,
और ये इसके बाद RL आपका कनेक्शन है इधर से, और ये RL है, इस RL के अक्रॉस आप वोल्टेज कंसिडर करोगे, ठीक है। करंट इस RL के थ्रू फ्लो होगी, किस डायरेक्शन में होगी वो हम चेक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास वोल्टेज आएगा, ठीक है। ये आपके पास है फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट। अब हम आगे देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के बाद इसकी वर्किंग। ओके, वर्किंग का कैसे होगी, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक वेवफॉर्म डायग्राम भी बनेगा। ये वेवफॉर्म डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा यहां पर, ओ अब आगे देखो, दिस इज कंप्लीट एसी, एसी इनपुट या एसी वोल्टेज है इनपुट में, ठीक है। अब हम यहां पर इसका आउटपुट वोल्टेज देखेंगे ये किस तरीके से आएगा। देखो, व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ दिस एसी वेवफॉर्म विल पास फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मर, ये इसके आगे पास होगा, देन वी कैन से दिस टर्मिनल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव। ओके, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये नेगेटिव इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को देख सकते हो, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इस कनेक्शन को आप कौन सा कनेक्शन कहोगे, फॉरवर्ड कनेक्शन कहोगे या रिवर्स कनेक्शन कहोगे। इस कनेक्शन को आप फॉरवर्ड कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इन दिस डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दिस डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस। ओके, तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस डायोड, ओके, इन फर्स्ट हाफ साइकिल। बट इन दिस, फॉर दिस डायोड हाउ वी कैन डिफाइन इट्स कनेक्शन, दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद दिस एन साइड एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद दिस पी साइड। ओके, और आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला जो पोटेंशियल है ये इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो पी इज एट हायर टर्मिनल। पी हमेशा हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए या फिर पॉजिटिव पे होना चाहिए। तो जब हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया D1, तो करंट D1 के थ्रू फ्लो हो सकती है। और इसके अंदर देखो, ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो इसके कंपैरिजन में CP हायर पर है, तो पी इज कनेक्टेड नाउ इन लोअर पोटेंशियल। जो पी पोटेंशियल, पी जो डायोड है यहाँ पे, वो किस पर है, लोअर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। तो जब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और ये किस में है, रिवर्स बायस में। और जब ये रिवर्स बायस में होगा तब क्या है, यहां से करंट फ्लो होगी क्या, यहां से इसके थ्रू इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब ये करंट आ रही है, इधर जा नहीं सकती, तो कहां जाएगी, ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो एक करंट की आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई, तो आपके पास जो V इनपुट था, इस इनपुट के रेस्पेक्ट में आपको V आउटपुट मिल जाएगा यहां से। ओके, देयर इज एन आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू दिस इनपुट। तो नाउ यू कैन ड्रॉ दिस इज एज ए, ये आप यहां पे इसको एक लाइन बना लेना, जिससे क्या है आपका डायग्राम थोड़ा सा और भी अच्छे से बन जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, D1। अब इसके आगे देखो, ये D1 हो गया, D1 ये वोल्टेज किसके कारण फ्लो हो रहा है, D1 के कारण फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद देखो, आगे हम कंसिडर कर लेते हैं इसका ये नेक्स्ट हाफ साइकिल, दिस वन। अब इस हाफ साइकिल के कारण क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो आप, अब क्या होने वाला है, अब ये वाले जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन आप यहां पे देख सकते हो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है और ये वाला एन साइड पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, नाउ दिस कनेक्शन इज इन रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस हो गया D1।
okay, and this D2 ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये किसके कनेक्टेड हो गया, ये इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो गया। जब D ये रिवर्स बायस है D1, तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये करंट क्या हो जाएगी यहां पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, ये फॉरवर्ड आया ना तो यहां से करंट फ्लो होगी और यहां से ऊपर जाने नहीं है तो जाएगी कहां, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो करंट की डायरेक्शन पहले भी यही थी इस लोड के थ्रू आरएल के थ्रू, और अब भी इस डायरेक्शन की करंट क्या है, यही डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो इसको। जब ये टुवर्ड्स लेफ्ट इसकी कनेक्शन है आपके पास डायरेक्शन है करंट की, तो आपके पास आप बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द साइकिल इज सेम कॉन्स्टेंट, ओके, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है करंट की। जब करंट की ये डायरेक्शन है तो इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो रही है। पहले भी ये पॉजिटिव था अब नेगेटिव था, अब भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, तो ये दोनों क्या हो गए, अब यहां पर ये वाले जो करंट है, यहां पर ये वाला जो साइकिल है, ये यहां पर आएगा डी टू, ये आएगा यहां पर डी टू आ जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आगे कैसे चलेगा ये, फिर हम इस थर्ड हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो थर्ड हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव एन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये नेगेटिव इससे पी से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव इससे कनेक्टेड है। तो यहां पर फिर से ये जो आपके पास डिवाइस था, जो डायोड था, D1 क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड बायस आ गया, और ये किससे, N नेगेटिव से, सॉरी P नेगेटिव से N N पॉजिटिव से, ये किस में आ गया, ये रिवर्स बायस में आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे फ्लो करंट का, इस रिवर्स बायस से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस से तो करंट फ्लो होगी, तो ये करंट अब इस डायरेक्शन में लगातार कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है। जब ये कंटिन्यूस करंट यहाँ से फ्लो होगी तो ये इस डायरेक्शन फिर से इसी वे में आ रही है, तो ये वाला जो हाफ साइकिल है ये भी पास हो जाएगा यहाँ से, किसके कारण हो जाएगा, D1 के कारण हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपका जो ये करंट है वो इधर से लेकर आगे से पास होते हुए इधर आ जाएगा, तो ये वाला जो डायोड है ये भी फिर से इसी डायरेक्शन फ्लो होगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज इन रिवर्स बायस, तो D1 से D1 के कारण रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। सेकेंड इज इन सेकेंड हाफ साइकिल D1 इज इन रिवर्स बायस, D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, तो ये क्या हो जाएगा आपका D2 फॉरवर्ड बायस में, तो यहां पे किसके कारण हो रहा है, D2 के कारण हो रहा है। फिर थर्ड हाफ साइकिल D1 के कारण करंट फ्लो रही है, फोर्थ हाफ साइकिल D2 के कारण करंट फ्लो रही है, ऐसे लगातार चलते चलते हर बार क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू अल्टरनेटिवली एक बार D1 के कारण, दूसरा D1 के कारण फिर D2 के कारण, लगातार करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, वैल्यू जरूर चेंज हो रही है, ओके, वैल्यू चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग, जो एसी है इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम हो गई। दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी, मैं फिर से बोल रहा हूं पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, और ये अल्टरनेटिंग से पल्सेटिंग डीसी में तो आ गई वी आउटपुट। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि जो डायरेक्ट करंट होती है, जो डीसी करंट होती है, वो तो एग्जैक्टली सेम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की तरह होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की तरह होगी अगर, तो आप यहां पे क्या देखोगे कि क्या ऐसी प्रोसेस करें, कौन सी ऐसी प्रोसेस हो हमारे पास, वो इस पल्सेटिंग डीसी को लगातार एकदम बिल्कुल स्मूथ डीसी करंट के अंदर चेंज कर दे, स्मूथ डीसी वोल्टेज के अंदर चेंज कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, वो फिल्टर क्या होगा वो अभी देखते हैं। तो फिल्टर के डायग्राम के लिए, फिल्टर करेगा क्या, देखो सबसे पहले आपको फिल्टर का वर्किंग देखनी है।
यहां पर आपके पास जो D1 डायोड है, D1 डायोड के कारण करंट तो आ गई, D2 के कारण आ गई, D3 के कारण, D1 के कारण आ गई, फिर D2 के कारण, तो जो आउटपुट पोटेंशियल जो अल्टरनेटिवली जिसकी पोलरिटी चेंज हो रही थी, तो पोलरिटी तो चेंज होना हो गई खत्म, लेकिन अभी क्या है, पोलरिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन अभी चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड को चेंज होने से हमें बचाना है, तो हम क्या लगा रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं। तो फिल्टर के लिए देखो कितना सही, हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। तो इस पूरे ब्लॉक को, ये जो आपके सामने एक कंप्लीट रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। हमने इस रेक्टिफायर को क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। दिस इज आवर रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। यहां पे V इनपुट है और ये क्या होगा, ये यहां का आउटपुट होगा, पल्सेटिंग डीसी होगा ये, ठीक है, ये आपके सामने हो गया। फिर इसके बाद हम आगे इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इसी कनेक्शन को एक यहां पर हम कैपेसिटर लगा दें और यहां पर एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करके, और ये आपके सामने क्या हो गया, जो RL है वो यहां पर लगा दिया हमने, लोड रेसिस्टेंस यहां पर लगा दिया। अब देखो क्या होगा, ये तो केवल एक सर्किट है, किसका, फिल्टर का सर्किट है। मैं ये डायग्राम मिटाना नहीं चाह रहा यहां से, इसलिए रब नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये जो कंप्लीट डायग्राम, इसकी वर्किंग आप ध्यान से देखो बहुत लंबे टाइम तक, तो ये डायग्राम आपको लर्न करना है, ये डायग्राम एग्जाम है, क्योंकि अभी तो आपको पता ही, आपका जो सिलेबस कम हुआ है, तो इस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हट गया, तो बचे जो टॉपिक है उन्हीं में से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इनमें से एक पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहां पे, ये फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट, ये वो जो पूरा फुल वेव रेक्टिफायर है, इसको हमने इसके अंदर पैक कर दिया। ये वी इनपुट हो गया और ये इसका वी आउटपुट हो गया, ये वी आउटपुट ले लिया मैंने, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा। अब चेंज क्या हो रहा है, ये पल्सेटिंग डीसी आ रही है। अब पल्सेटिंग डीसी जो आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, देखो एक बार के लिए, सबसे पहले ये जो आपके पास वैल्यू आएगी इसकी, तो ये यहां से फ्लो होकर, यहां तो रेसिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा, इसको कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। कैपेसिटर को चार्ज कर दिया ना, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद यहां का एक पोटेंशियल हो गया सपोज वी, जो वी नॉट है वो यहां पे आ गया, ठीक है। अब एक और एक कैपेसिटर की और प्रॉपर्टी होती है, तो आपको पता है कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के लिए या पल्सेस के लिए एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जो इसका जो एसी कंपोनेंट है, जो इसके अंदर जो आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है, फिर भी इसके अंदर कुछ एसी की जो प्रॉपर्टी है, जो कंपोनेंट है, वो तो अवेलेबल है ही। जब ये जो एसी का जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहां पे एसी का जो कंपोनेंट है, इसको रिमूव करने के लिए आप यहां पर कैपेसिटर लगा रहे हो। तो आपको पता है कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू होती है 1/ωc, ओके। तो एसी के लिए ओमेगा सी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण ये क्या है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसको पास कर देगा। तो जो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है वो इधर से पास हो जाएगा, एक तो ये मान सकते हो, दूसरा ये मान सकते हो एक बार क्या कर दिया इसने, चार्ज कर दिया इस कैपेसिटर को। जब कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर दिया, उसके बाद देखो जब ये वापस वोल्टेज डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, हम इसका आउटपुट बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं वी नॉट डैश। तो एक बार देखो ये आउटपुट हुआ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपके पास ये एक बार पूरा चार्ज हो गया। अब ये इसको नीचे लाने की कोशिश तो करेगा, इट विल ट्राई टू मेक इट्स मैग्नीट्यूड लोअर देन इट्स पीक वैल्यू, लेकिन इधर में कैपेसिटर खुद क्या चार्ज है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, बोले नहीं
यहां पे ये चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इसको जीरो लाने की कोशिश करेगा, ये जीरो आएगा, लेकिन फिर भी कैपेसिटी के ऊपर तो चार्ज प्रेजेंट ही है, तो इसलिए ये इसको नीचे नहीं आने देगा, बल्कि ये इसको यहां ले जाएगा, फिर ऐसे होगा लगातार यहां ले जाएगा, फिर ऐसे होगा लगातार यहां हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या है, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उसके बाद ये लगातार या कंटिन्यूअसली आपका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस वन इज द आउटपुट ऑफ, दिस थर्ड डायग्राम इज आउटपुट ऑफ फिल्टर। ओके, फर्स्ट वेव फॉर्म, दिस वेव फॉर्म इज आउटपुट ऑफ, दिस इज नॉट आउटपुट, दिस इज द इनपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एंड दिस वन इज आउटपुट ऑफ पल्सेटिंग डीसी, और यू कैन से आउटपुट ऑफ आरएल, एंड द थर्ड वन इज दिस वन, थर्ड वन इज द आउटपुट फ्रॉम आवर फिल्टर सर्किट। ये आपका फिल्टर सर्किट है, और यहां पर आपने ये जो रेसिस्टेंस है ये आरएस रेसिस्टेंस लगा दिया, आरएस रेसिस्टेंस आपने यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट फुल वेव रेक्टिफायर हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद एक चीज आगे, जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, नेक्स्ट लेक्चर में ये फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सब कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हमारे पास होगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगे जो लाइट का, जिनके ऊपर होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन लाइट सेंसिटिव होंगे वो। अगर उनके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर वो डिवाइसेस जो है खुद अगर फ्लो कर रहे हैं उनमें लाइट, करंट फ्लो हो रही है, तो वो लाइट इमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कह सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में कंपैरिजन देख लें। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में कंपैरिजन क्या है, डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर, यहां पे मैं लिख देता हूं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव एंड हाफ। ओके, तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड कितने काम आते हैं, ओनली वन डायोड, वन डायोड इज यूज्ड, इसमें टू डायोड इज यूज्ड। ओके, फर्स्ट डिफरेंस तो आपका यही हो गया। ठीक है, दिस विल कन्वर्ट हाफ साइकिल ऑफ दिस, दिस हाफ रेक्टिफायर कन्वर्ट हाफ साइकिल इनटू डीसी, लेकिन ये फुल साइकिल इनटू डीसी। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट एफ नॉट इक्वल्स टू एफ इन, एफ आउटपुट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, बट इन दिस केस फुल वेव रेक्टिफायर व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई वन वेव फॉर्म इन दिस इनपुट, देन यू कैन से देयर इज टू पल्सेस, एक वेव फॉर्म के लिए टू पल्सेस आपको आउटपुट में मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट एफ नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इनपुट, वन एक सिंगल पल्स के लिए आपके पास यहां पर दो पल्स मिल रही है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर टोटल कितना हो गया, डबल हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, देन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इसकी जो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी 40.8 या 40.2 या 40.8 ऐसे लगभग होती है। ठीक है, आप 40 मान के चलो, इसकी एफिशिएंसी होगी 40%, और आपके पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी एफिशिएंसी होगी 80%। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, इसके अलावा ये जो एफिशिएंसी इससे कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी किसी भी चीज़ की, इसकी 40%, इसकी 80%। तो ये सब आपके सामने क्या है,
रेक्टिफायर्स का कंपैरिजन हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज इन फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपको देखना है। ये कंपैरिजन याद रहेगा तो भी आपको ये पूरे सर्किट डायग्राम वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा, और अगर सब कुछ सर्किट डायग्राम वगैरह याद है तो आपके सामने ये जो कंपैरिजन है ये भी आपके सामने लर्न हो जाएगा। डिफरेंशिएशन है दोनों में, डिफरेंशिएट कैसे करते हो, दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हो, ये सब आपके सामने, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना हो सके इसको रिवाइज करो, जितना ज़्यादा हो सके याद कर लो इसको एक तरीके से। यहाँ पे दो डायग्राम, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 डायग्राम है, तो 1 मार्क्स तो सर्किट का हो जाएगा, 1 मार्क्स वेवफॉर्म का और फिल्टर का हो जाएगा, और 1 मार्क्स की आपकी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हो जाएगी। सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा। आज आपका जो इसका इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट में अपलोड करवा दूंगा मैं, इसके नोट्स बना के आज मिल जाएगा। आज नहीं मिल पाया तो आपको कल तो पक्का ही मिल जाएगा, ये आप इसको ध्यान से देखना। ओके, थैंक यू एवरीवन।